मध्य प्रदेश में सरकारी कामों पर अक्सर भ्रष्टाचार के मामले आपने देखे और सुने होंगे, जहां सरकारी कर्मचारी अपने पद का फायदा उठाकर भ्रष्टाचार करते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां सहायक सचिव पर गांव के सरपंच व उप सरपंच ने मनरेगा के काम में धांधली करने का आरोप लगाया। कटनी जिले के सोतेली ग्राम में एक नया मामला सामने आया, जहां ग्राम के सहायक सचिव द्वारा मनरेगा के कार्यों पर जमकर धांधली की जा रही है। मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्राम के सरपंच और उप सरपंच ने आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा के कार्यों पर 10 से 15 मजदूर लगाकर 40 से 45 मजदूरों की रोजाना हाजिरी भरी जा रही है और जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आप हमें लेके आए हैं कि 18 आदमी की वजह थी काम में और 50-60 आदमी की मजदूरी अलग से लिखा थी। सचो हम ये शिकायत लेके आए हैं, हमको कोई मालूम नहीं रहता, अपने मन का करता है। 19 आदमी काम में जाती है और 54 आदमी की हाजिरी। सचो एक महीने से चल रहा है, अभी नहीं करी, फर्स्ट यहीं लाए हैं। तार केसु पटेल सहायक सचो है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।